जो सरकार की आलोचना करे, जो सरकार को पसंद नहीं है वो सब पकड़ाएंगे, और ये तो नेचुरल मैं मानता हूँ। कौन बोला मुसलमान डरे हुए हैं? हम आज भी लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। जो मनुस्मृति में विश्वास करेगा वही बचेगा, बाकी कोई नहीं बचेगा। आपके अंदर हिम्मत है? आप नरेंद्र मोदी को गाली दे के देखिए, या गाली तो छोड़िए, आप उनके खिलाफ बोल के देखिए, आप देशद्रोह हो जाएंगे। किस तरह से पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्या लगता है आपको? अरे यही तो है रेन ऑफ टेरर, इसको बोलते हैं आतंक का राज। हमने हुकूमत की थी 1000 साल, हमने हुकूमत की थी, हमने सबको मान सम्मान दिया था। नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। जंतर मंतर पर तिस्ता से तलवार को लेकर प्रोटेस्ट है। मेरे कैमरामैन आपको पीछे दिखाएंगे किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। काफी संख्या में पुलिसों की तैनाती हो रही है। जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, सील कर दिया गया। उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो न्याय के साथ जंतर मंतर पर खड़े हैं। प्रोफेसर रतन लाल हैं सर, आपकी तो गिरफ्तारी भी हो चुकी है, आपको डर नहीं लगता है? डर क्यों, कोई गैरकानूनी काम थोड़ी कर रहे हैं कि डर लगेगा। गैरकानूनी काम थोड़ी है, संविधान जो अधिकार देता है वो संविधान के दायरे में रह के अपनी बात जो है करनी है करते हैं। कौन सा गैरकानूनी काम किया? क्या लग रहा है, पहले रतन लाल अब तिस्ता से तलवार, अगली बारी? जो सरकार की आलोचना करे, जो सरकार को पसंद नहीं है वो सब पकड़ाएंगे, और ये तो नेचुरल मैं मानता हूँ, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। तो ये सरकार का जैसा दर्शन है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उस हिसाब से तो सरकार जो भी सवाल खड़े करेगा वो सब पकड़े जाएंगे। आप तो पिछड़ा ओबीसी हिंदू कट्टर सवर्ण भी नहीं बच पाएंगे, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि तिस्ता तो विचारधारा की बात है ना, जो मनुस्मृति में विश्वास करेगा वही बचेगा, बाकी कोई नहीं बचेगा, बाकी सबको पकड़ लेगा। और ये होना था, ये तो इतने साल से आप इंटरव्यू मेरा कर रहे हैं, आपने देखा नहीं? लगातार ये बात कह रहा हूँ कि इसके फिलॉसफी में जो है वो मनुस्मृति है, वर्ण व्यवस्था है। रास्ता क्या है? रास्ता क्या है, संविधान तो रास्ता दे ही रहा ना। जन आंदोलन करो, सड़क पर उतरो, वोट से इसका पद ले लो, जो जो दे रहा है ले लो, लेकिन वोट नहीं दो इसको, पद ले लो। चुनाव लगातार जीत रहे हैं ना, जीत रहे हैं, इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि पद ले वोट मत दो, जनता तय करेगी, जनता का हिसाब किताब करना है, जनता को करना है हिसाब किताब इनका। टीवी अखबार वाला सर एक सेकंड, टीवी अखबार वाला कह रहा है कि मुसलमान डरे हुए हैं, आप लोग कह रहा है कि मुसलमान डरे हुए, आप यहाँ चीख चीख के बोल रहे हैं? मुसलमान डरे हुए ने, कौन बोला मुसलमान डरे हुए हैं? हम आज भी लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। याद रखिएगा कि जब अंग्रेजों ने इस देश में हुकूमत की थी तो मुसलमानों ने उस वक्त भी डट के मुकाबला किया था। टीवी अखबार वाला कह रहा है आप लोग देशद्रोही हैं, और कौन देशद्रोही है? टीवी अखबार खाली मुसलमान, ये हिंदुओं की गलत सोच है, ये हिंदू गलत सोच रहा है। आपके अंदर हिम्मत है? आप नरेंद्र मोदी को गाली दे के देखिए, या गाली तो छोड़िए, आप उनके खिलाफ बोल के देखिए, आप देशद्रोह हो जाएंगे। कौन हिंदू आपके खिलाफ है? मुसलमान सीतलवाल भाई, तीस्ता सीतलवाल के साथ में क्या किया गया, उनके साथ में क्या हुआ, उनको देशद्रोहियों की तरह गिरफ्तार किया गया? क्या वो हिंदू नहीं थी? क्या वो मुसलमान थी? हिंदू थी ना भाई, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र को यहाँ पे मारना चाह रहे हैं लोग, बर्बाद करना चाह रहे हैं। हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। लोग कि मुसलमान देश पर कब्जा करना चाहता है, वो लोग जनसंख्या बढ़ा रहा है। हम लोगों ने 100 साल में आज तक कब्जा नहीं किया, हमने हुकूमत की थी 1000 साल, हमने हुकूमत की थी, हमने सबको मान सम्मान दिया था। अगर हमें कब्जा ही करना होता तो जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे हम उनके साथ में पाकिस्तान जाते, हम हिंदुस्तान। मुसलमानों का दुश्मन कौन है? आरएसएस की हिंदू, बिल्कुल कुल्लम कुल्ला आरएसएस दुश्मन है। हिंदू हिंदू कहाँ कहते हैं? हिंदू तो मैं भी नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं, हमने तो सपाई भी है, हमारे भाई है, हिंदू हमारे भाई है, हम हिंदू का सम्मान करते हैं, हिंदुओं ने हमें पानी पिलाया है, हम अगर हिंदुओं के साथ, हम हिंदू से कहाँ भाग सकते हैं, हिंदू हमारे भाई है। मगर आरएसएस से क्या प्रॉब्लम है? आरएसएस जिस तरीके से ढूंढना बंद करो, हर बंदे आरएसएस जिस तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट बनवा रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों में तोड़फोड़ करवा रहे हैं, और इस सरकार के माध्यम से मुसलमान नौजवान बच्चों को जेल में डलवा रहे हैं, ये इनका षड्यंत्र है। क्या करेगा मुसलमान, क्या करेगा? ये लोग चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करके यहाँ मनुवादी जो विचार, मुसलमान संविधान मानता है, आपको भी दुश्मनी है, हमको भी दुश्मनी है, केवल मुसलमानों को ही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे हम यहाँ अपने लिए, अरे तिस्ता सीतलवाल मुसलमान है, अरे हम यहाँ खड़े हैं। चलिए ये देखिए किस तरह से सोशल मीडिया का दौर दिखा रहा हूँ, और काफी संख्या में लोग, मैं फिर आ रहा हूँ प्रोफेसर रतन लाल पर। जी बताइए सर, क्या कह रहे हैं? केस
ये अभी मियाँ जी थे एक, और देखिए किस तरह से पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्या लगता है आपको? अरे यही तो है रेन ऑफ टेरर, इसको बोलते हैं आतंक का राज, आतंक का राज, हाँ टेरराइज कर दो सबको। तो ये मुस्लिम लोग कहते हैं कि आरे हिंदू से प्रॉब्लम है, हिंदू प्रॉब्लम है, आरएसएस प्रॉब्लम है, हिंदू तो हम भी आप भी हैं। नहीं नहीं, आरएसएस की विचारधारा से प्रॉब्लम है, भाजपा की विचारधारा से प्रॉब्लम है, वो कोई भी इनके जहन में असहमति को मानना है ही नहीं, ये खाली मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था मान लो, इनके कहे के हिसाब से खाली काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और इतनी संख्या में जंतर मंतर पर आए हैं। 5 बजे तक का समय था, 6 बजे तक का प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। तिस्ता शीतलवाड़ को लेकर ये प्रोटेस्ट कॉल किया गया था, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट देखिए, हजारों की संख्या में यहाँ पत्रकार भी थे, और किस तरह से मोदी सरकार एक एक प्रोटेस्ट को लेकर बहुत संवेदनशील है, उसको पता है कि प्रोटेस्ट को बर्दाश्त नहीं करना है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको जंतर मंतर से, जहाँ तिस्ता शीतलवाड़ के समर्थन में हजारों लोग जमा हुए थे, उन्होंने एक प्रोटेस्ट कॉल किया था, और इससे साफ है कि डेमोक्रेसी की जड़ें भारत में अभी गहरी है और सरकार अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, जनता जो है वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो टीवी अखबार कवर नहीं करता है, सोशल मीडिया का जमाव रहा है, सोशल मीडिया कवर करता है, टीवी और अखबार जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के समर्थक और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाली खबरों को ही दिखाते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।